आयोजन में हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा, भूल वश भी पहुंच गए तो शिव की कृपा। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और आप लोग सब दर्शन करते हो, अब ईमानदारी से बोलो अपन सब लोग क्या उड़ीसा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहुंच जाते हैं क्या? बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं पहुंचते। तो फिर मात्र टीवी के माध्यम से भी अगर हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर लेते हैं या हम अपने नगर में शहर में गाँव में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है हम उसमें भी भले नहीं जाते मात्र हम उसका दर्शन ही कर लेते हैं तो शोभा पुराण कथा कहती है जैसे हमने शिखर का दर्शन करा तो शंकर जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है, वैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मात्र दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान जगदीश की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त होता है मात्र दर्शन। हमें तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब इंदौर में ब्रह्मोत्सव एवं रथ यात्रा का आयोजन होता है, परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी द्वारा छत्रीबाग लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग इंदौर की जब रथ यात्रा निकलती है, लगभग 57 साल से ये रथ यात्रा निकलती है और हम तो आप लोगों से इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि जब आपके क्षेत्र में 20 तारीख को श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग से जब रथ यात्रा निकले विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी के साक्षी में, तब इंदौर वाले भी उसमें शामिल होकर अपने जीवन को गौरवान्वित करें उस रथ यात्रा का दर्शन। ये जीवन का एक खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ बारे पसार मैं भी खड़ा हूँ नंदी बारे पसार।